पिछले साल हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर कई इल्जाम लगते हुए देखे थे और कई उंगलियां उनके खिलाफ उठी थी, जिसमें आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि लीगल फ्रेटर्निटी के ही कई लोग मौजूद थे। जी हां, आपने सही सुना, जितनी ये बात आपके लिए शॉकिंग है उतनी ही सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए भी थी। ये क्रिटिसिज्म सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ आर्टिकल 370 जजमेंट को यूनियन के फेवर में देने से आया था। हालांकि इस जजमेंट के अलावा एक मेजर क्रिटिसिज्म और बैकलैश जो सीजीआई ने फेस किया वो केसेस की लिस्टिंग से जुड़ा हुआ था। आपको ध्यान भी होगा कि इसके रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट्स दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने सीजीआई पर निशाना साधते हुए लेटर भी लिखा था और सीजीआई पर सवाल खड़े किए थे। और तो और, एक केस की हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सीजीआई पर केसेस की लिस्टिंग की वजह से निशाना साधा था। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस साल की शुरुआत में ही पीटीआई न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू में अपने खिलाफ लगाए गए सारे एलिगेशंस के बदले जवाब देकर सबको शांत कर दिया है और यहां तक भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स ड्रिवन कोर्ट नहीं बन सकती है। इस इंटरव्यू में खुद की सफाई देते हुए सीजीआई ने और क्या कहा है और कौन से चार पॉइंट्स को केसेस लिस्टिंग के लिए जिम्मेदार बताया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इंटरव्यू की शुरुआत में ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 जजमेंट की कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि वे इस मामले में ना ही क्रिटिसिज्म के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं और ना ही अपने जजमेंट के डिफेंस में कुछ कहेंगे और बस इतना कहेंगे कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग लिया है। CGI stated, so far as we are concerned, we decide according to the constitution and the law. What we have said in my judgment is reflected in the reason present in the signed judgment and I must leave it at that. इसके बाद CGI cases की listing के point की ओर बढ़े और कहा कि listing के मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सारे allegations झूठे हैं and stated, the credibility of the Supreme Court shall be maintained by the processes and proceedings followed by the Supreme Court. Allocation and assignment of cases cannot be a lawyer driven exercise and a complete trust must be reposed on the decision makers. आपको याद दिला दे कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस सिर्फ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को असाइन हो रहे हैं। अब चाहे मामला उमर खालिद का हो या फिर सतेंद्र जैन की बेल प्ली का, जिसमें से कई केसेस पहले सीजीआई को असाइन थे या तो किसी और जज को। पिछले साल हमने देखा भी था कि कैसे एक केस लिस्टिंग से ही डिलीटेड था जो कि सेंटर द्वारा कॉलेजियम सिस्टम में रिकमेंडेशन से जुड़ा था और नाउ रिटायर्ड जस्टिस एसके कॉल की बेंच के सामने था। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के लेटर के पहले ही सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सीजीआई को एक ओपन लेटर लिखा था और उसके थ्रू केसेस को ट्रांसफर किए जाने की बात पर एतराज जताया था। दरअसल सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे ने बीते दिनों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपने ओपन लेटर के थ्रू सेंसिटिव केसेस के मैटर को एग्जिस्टिंग बेंच के सामने से डीलिस्ट करते हुए इसे दूसरी बेंच के सामने लिस्ट करने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। दवे ने अपने ओपन लेटर में सीजीआई से रखी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरने की भी बात कही थी और आपको सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि इस लेटर में ये भी कहा गया था कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी दवे और कई सीनियर लॉयर्स उनसे मिलने में नाकाम रहे थे क्योंकि उन्हें सीजीआई से मिलने का मौका ही नहीं दिया गया था। बात यहाँ रुकी नहीं, सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि 2017 सुप्रीम कोर्ट्स हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड ऑफिस प्रोसीजर के अनुसार केसेस को सीनियर जजेस द्वारा ही रिटेन किया जाएगा जिनके सामने ये सबसे पहले केस लिस्ट किए गए थे या फिर जो सिमिलर केसेस के मैटर को हियर कर रहे थे। इसी बात के वायलेशन का जिक्र सीनियर लॉयर दर्शन दवे ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपने ओपन लेटर में कहा था। हालांकि पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीजीआई ने ये साफ किया कि रजिस्ट्री प्रॉपर स्टेप को फॉलो करती है और उसके बाद ही केसेस एलोकेट किए जाते हैं। केसेस को एलोकेट करने में चार पॉइंट्स को ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है जिसमें से पहला आता है रोस्टर का। इसको एक्सप्लेन करते हुए सीजीआई ने कहा, First, the roster by virtue of which the cases are assigned according to subject matter is printed in advance under the authority of the Chief Justice. So, the roster is notified for everyone to see and it is in the public realm. It is published on the website of the Supreme Court. दूसरा पॉइंट जुड़ा है जज से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट ही कहलाती है, इरिस्पेक्टिव वो सीजीआई हो या नहीं। इसी को एक्सपैंड करते हुए सीजीआई स्टेटेड,
सेकेंड दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Every judge is entitled to decide any case which is assigned by the Chief Justice to them in terms of the roster. इस cases listing में एक third point आता है जो सबसे जरूरी होता है. CJI ने कहा है कि एक lawyer नहीं decide कर सकता कि किसी bench के पास कौन सा मामला जाना चाहिए, क्योंकि ये decide करने का हक सिर्फ CJI को है. He stated, Third and I have been a member of the bar as well. No lawyer can insist that I will have my cases decided only by a particular judge because that does not do justice either to the credibility of individual judges or to the purity of the administration of justice. इस पॉइंट पर ही CJI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर ड्रिवन नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉयर्स का काम केसेस में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने का होता है, और अगर उनके हिसाब से केसेस को लिस्ट किया जाने लगा तो एडवोकेट्स खुद को फेवर करने वाले जजेस को ही चुनेंगे और फिर जस्टिस सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा. आखिरी पॉइंट को समझाते हुए CJI ने कहा, फोर्थ देयर आर वेल डिफाइंड प्रोसेसेस. इफ अ जज रिक्यूजेस, अ केस इज पुट अप बिफोर द चीफ जस्टिस एंड द चीफ जस्टिस विल देन रीअसाइन दैट केस. द रीअसाइनमेंट मे बी टू अ सीनियर जज, इट मे बी टू अ जूनियर जज. वंस अ केस इज असाइन टू दैट जज, दैट केस फॉलोज दैट जज अनलेस फॉर इंस्टेंस द जज फॉल्स सिक एंड सेज I don't want to take up that case because I am not on duty for the next month in which it has to be reassigned. ये same thing उस केस में देखने को मिला था जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI के ऊपर केसेस लिस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. असल में सिंघवी आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के बेल प्ली में मौजूद थे और CJI से पूछा कि जब ये मामला जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच के सामने लिस्टेड ही थी तो इसे फिर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बेंच के पास क्यों ट्रांसफर किया गया. इसका जवाब देते हुए CJI ने कहा था, इट्स वेरी इजी टू फ्लिंग एलिगेशंस एंड लेटर्स. देयर इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ जस्टिस बोपन्ना. ड्यू टू मेडिकल रीजंस ही डिडंट रिज्यूम ड्यूटीज आफ्टर दिवाली. ही स्टेटेड दैट ऑल मैटर्स व्हिच वर हर्ड बाय हिम शुड बी केप्ट एज डीप आर्ट हर्ड. Therefore, this matter was assigned to Justice Trivedi, who had last heard the matter. CJI Chandrachur ने add करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने सोचा था ये matter clarify करने का, but find it surprising for any member of the bar to say that I want this particular judge to take up the case. इधर वे सारे एडवोकेट्स द्वारा लेटर्स और सबमिशंस की बात कर रहे हैं जो उनके खिलाफ उठाए गए हैं केसेस की लिस्टिंग को लेकर. जैसा कि आपको ध्यान ही है, प्रशांत भूषण ने बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने कई पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स को लिस्ट करने की बात की थी, जिसमें से सत्येंद्र जैन का मामला एक था. सम अदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आर उमर खालिद्स बेल प्ली, पिटिशंस चैलेंजिंग UAPA प्रोविजंस, तमिलनाडु गवर्नमेंट्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट फॉर्मर CM इदापदी पलनीस्वामी, FIR क्वैशिंग पिटिशन बाय फॉर्मर CM ऑफ आंध्र चंद्रबाबू नायडू, जेल्ड DMK मिनिस्टर सेंथिल बालाजीज मेडिकल बेल प्ली, आंध्र CID's चैलेंज अगेंस्ट ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल टू चंद्रबाबू नायडू, बेल प्ली ऑफ भीमा कोरेगांव अक्यूज महेश रावत, CBI's इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट डिप्यूटी CM ऑफ कर्नाटका DK शिव कुमार. अपने इंटरव्यू के अंत में CJI ने बस इसी बात पर जोर दिया कि इफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी मेंटेन्ड, वी हैव टू एंश्योर दैट द एलोकेशन ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉयर ड्रिवन एलोकेशन. हैविंग सेड दैट, आई कैन ओनली से दैट वेल, यू हैव टू ट्रस्ट योर डिसीजन मेकर्स. इंटरव्यू में आर्टिकल 370 केसेस लिस्टिंग के अलावा भी CJI ने कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर जोर दिया था, जिसे हमने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है. अपने टेन्योर में CJI चंद्रचूड़ कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं, और आगे देखना होगा कि अपने टेन्योर के अगले 9 महीने में CJI चंद्रचूड़ और कौन से फैसले देते हैं. इस लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.